सो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। गाइस, हमारे पास मालदीव्स के लिए काउंटर सेल्स के लिए 20 पोजीशन ओपन है, ठीक है। अगर आप ग्रोसरी शॉप में एज अ काउंटर सेल्समैन आप काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो की सारी डिटेल आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करें। गाइज, जो ये काउंटर सेल्स का जो ये काम है, ये एक ग्रोसरी शॉप है, ठीक है, बड़ा ग्रोसरी शॉप है। उसके अंदर जो है कि 20 बंदों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कैंडिडेट को बेसिक इंग्लिश के साथ साथ कम्युनिकेशन करने के लिए आना चाहिए, एटलीस्ट अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे पाए। जब भी एचआर कॉल करेगा तो आप सबसे पहला सवाल ये है कि पूछेगा, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो आपके बारे में जो कुछ भी है आपको इंग्लिश में ही बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको इंग्लिश लिखने पढ़ने के लिए आना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट का नॉलेज है, बारकोड कैसे स्कैन करना है, कैसे क्या करना है, कौन सा सामान उठा करके किस तरीके से करना है, स्टॉक को कैसे मैनेज करना है, इन्वेंटरी कैसे करनी है, ठीक है। तो ये काम है मालदीव्स के अंदर, चाहे वो माले के अंदर हो सकता है या फिर आइलैंड के ऊपर हो सकता है, जहाँ जहाँ उनका ग्रोसरी शॉप है, अलग अलग ग्रोसरी शॉप पे आप लोगों को काम करना है। चार बंदे एक ग्रोसरी शॉप पे, चार बंदे एक ग्रोसरी शॉप पे, इस तरीके से अलग अलग ग्रोसरी शॉप पे आपको काम करना है, ठीक है। अगर हम सैलरी की बात करें तो $300 सैलरी है, ठीक है। इंडिया का अगर हम देखें तो लगभग 26-27,000 रुपये तक सैलरी हो जाती है। फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ जो है कि कंपनी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। वहाँ का थोड़ा ड्यूटी टाइमिंग थोड़ा सा अलग है। मॉर्निंग 8 AM से लेकर के 8 बजे से लेकर के जो है कि आपको 11 बजे तक काम करना है, जिसके अंदर जो है कि 4 घंटे का ब्रेक है आपका, ठीक है। अगर 8 बजे से हम काउंट करें तो 15 घंटे होता है, मतलब 10-11 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन उसमें आपका लंच ब्रेक, डिनर, ये सारी चीज़ें जो है कि उसमें ही इंक्लूड होगा। तो इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं तो एक बार समझ लीजिएगा, सुबह 8 से लेकर के रात को 11 बजे तक काम करना है, बीच में 4 घंटे का, 1-1 घंटे का, 2-2 घंटे का, इस तरीके का आपको ब्रेक भी मिलेगा, ठीक है गाइज। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको जो है कि एक बाहर का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। जो इसमें वेल एक्सपीरियंस है अप्लाई ना करें, जो फ्रेशर है, जिनको इंग्लिश आती है और जो है कि एक अच्छे काम में आप जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है, ठीक है। ड्यूटी आवर्स मैंने ECR, CNR कोई भी पासपोर्ट इसमें एलिजिबल है, लेकिन आपको जो है कि इंग्लिश बोलने के लिए आना चाहिए। और जो है कि एज लिमिट जो है कि 35 के अंदर होनी चाहिए, 35 साल के अंदर होनी चाहिए, और 19 साल 3 महीने जो है कि आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम 35 ईयर्स। 35 के अंदर ही होगा तो आपका जो कि सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो है कि वीडियो कॉल इंटरव्यू होगा, क्लाइंट खुद आपका इंटरव्यू करेगा। इंटरव्यू करने के बाद 15 डेज का प्रोसेस है, सिलेक्शन होने के बाद आपका जो है कि ऑफर लेटर, ऑफर लेटर के बाद आपका वर्क परमिट। इसमें कोई मेडिकल वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप जो है कि मतलब जो गम का मेडिकल होता है, जिसमें कि बहुत लोग डरते हैं कि गम का मेडिकल जो है कि फेल हो, इसमें नॉर्मल मेडिकल होगा, नॉर्मल मेडिकल आप करा करके जो है कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, CV, पासपोर्ट, फोटो, वैक्सीन फाइनल डोज का, ठीक है। और जो आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट है, इसको आप सिंगल PDF में करिए। सिंगल PDF में करके आप जो कि दिए गए नंबर पे, वीडियो के एंड में नंबर रहेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, आप दोनों भी नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और किसी भी ब्रांच में जाकर के आप जो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो लखनऊ हो, दिल्ली हो, अभी हमारी ऑफिस कोलकाता में भी जो है कि ओपन हो चुकी है, ऑलमोस्ट ओपन हो चुकी है, उसकी भी डिटेल आपको जो कि शेयर कर दी जाएगी। जितने भी ऑफिसर्स है, कहीं पर भी जाकर के आप जो है कि अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट, आपको सेल्स के लिए बहुत सारी इंक्वायरीज थी, ठीक है, तो उसके बारे में है। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, मेरी इंस्टाग्राम की ID है shahnawaz_hajian, आपको वीडियो के शुरू में भी दिखा होगा और एंड में भी आपको दिख जाएगा, जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करके आप मुझे जो है कि मैसेज करके डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नई रिक्वायरमेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।